Hello, I welcome you all once again to my channel Explore Education. I am Dr. Rashmi Singh, Assistant Professor, Department of Education, SS Khanna Girls Degree College, University of Allahabad. And this time I am going to discuss with you a topic, a new topic, that is teaching, its definition, its functions and its phases. Okay, so let's start. जनरली जो एजुकेशनल टेक्नोलॉजी का पेपर होता है उसमें वो जो सब यूनिट्स अपनी बनाते हैं वो टीचिंग टेक्नोलॉजी, लर्निंग टेक्नोलॉजी इस तरह से बनाते हैं. तो जो वो टीचिंग टेक्नोलॉजी बनाते हैं उसमें वो पूछते हैं मोडालिटीज ऑफ टीचिंग, स्टाइल्स ऑफ टीचिंग, फेजेस ऑफ टीचिंग. तो वहाँ पे वो फेज पूछते हैं आपसे. तो टीचिंग को हमने अभी तक डिफाइन भी नहीं किया था, तो हमने कहा टीचिंग की डेफिनेशंस भी देख लेते हैं, फंक्शन भी देख लें, फिर फेजेस पे पहुंचेंगे. वैसे हम ओवरऑल जानते हैं कि शिक्षा क्या है. तो टीचिंग की अगर डेफिनेशन देखें तो एच सी मॉरिसन ने कहा कि टीचिंग इज एन इंटीमेट कॉन्टेक्ट बिटवीन अ मोर मैच्योर पर्सनैलिटी एंड ए लेस मैच्योर वन. यानी कि शिक्षण जो है वो एक इंटीमेट है. मतलब ऐसा नहीं है कि आप जिसको पढ़ा रहे हैं उससे आप डिटैच रहेंगे. एक इंटीमेट मतलब मजबूत आंतरिक संबंध है. इंटीमेट रिलेशनशिप कहते हैं ना कि बहुत उसके हम समीप हैं, उसके से बहुत जुड़े हुए हैं. तो इंटीमेट कॉन्टैक्ट बिटवीन अ मोर मैच्योर पर्सनैलिटी एंड ए लेस मैच्योर वन. यानी कि एक पर्सनैलिटी जो मैच्योर है और एक पर्सनैलिटी जो लेस मैच्योर है उनके बीच का एक इंटीमेट कॉन्टैक्ट है. आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि जब भी एक लेस मैच्योर और एक मोर मैच्योर पर्सनैलिटी में इंटीमेट कॉन्टैक्ट होगा तो हम कुछ ना कुछ उसको सिखाएंगे, कुछ ना कुछ उसको पढ़ाएंगे. तो वही टीचिंग है. यहाँ पे मोर मैच्योर पर्सनैलिटी में टीचर है और लेस मैच्योर में स्टूडेंट है. या आप मोर मैच्योर में पेरेंट ले सकते हैं, लेस मैच्योर में चाइल्ड ले सकते हैं. तो ये सब टीचिंग की एक जनरल डेफिनेशन इन्होंने दी. फिर एनएल गेज कहते हैं कि टीचिंग इज इंटरपर्सनल इन्फ्लुएंस एम्ड एट चेंजिंग द बिहेवियर पोटेंशियल ऑफ अनदर पर्सन. कह रहे हैं कि शिक्षण एक इंटरपर्सनल यानी कि दो व्यक्तियों के बीच का इस तरीके का संबंध है जिसमें कि एक व्यक्ति दूसरे को व्यक्ति को प्रभावित करता है. और प्रभावित करने का उद्देश्य क्या होता है? उद्देश्य ये होता है कि दूसरे व्यक्ति के बिहेवियर पोटेंशियल को हम बदल सकें. यहाँ दूसरा व्यक्ति क्या है? स्टूडेंट है. बदलना कौन चाह रहा है? टीचर. अच्छा, एक और खास बात कि जब हम एजुकेशन पढ़ रहे थे, जब हमने मीनिंग नेचर एंड कंसेप्ट ऑफ एजुकेशन पढ़ा था तो हमने जाना था कि एजुकेशन जो शिक्षण शास्त्र है वो मतलब शिक्षण एजुकेशन एज अ डिसिप्लिन जो है, जो हम पढ़ाने में एजुकेशन मतलब एजुकेशन के कई अर्थ होते हैं उसमें एजुकेशन जो है वो आर्ट भी होता है और साइंस भी होता है ना. यानी कि उसकी कला की भी प्रकृति है, उसकी वैज्ञानिक प्रकृति भी है. उसी तरह से टीचिंग को भी कहा जाता है टीचिंग इज एन आर्ट एज वेल एज साइंस. यानी कि टीचर पैदा भी होते हैं उस कला के साथ, वो गुण के साथ, और टीचर आप बना भी सकते हैं. तभी तो आपके जितने भी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है वो चल रहे हैं. तो बनाना साइंस है और जो इनबॉर्न होना है वो आर्ट है. लेकिन इसको और बेहतर तरीके से देखें तो टीचिंग कंटेन्स टू मेजर कंसेप्ट ऑफ लर्निंग. वो कह रहा है कि शिक्षण जो है वो अधिगम के दो मेजर कंसेप्ट को अपने अंदर समाहित किए हुए है, आर्ट एंड साइंस, कला और विज्ञान. वो कह रहा है कि टीचिंग में आर्ट क्या है? द प्रोडक्ट ऑफ क्रिएटिंग ह्यूमन एक्टिविटी. जैसे ही क्रिएशन का नाम आया आर्ट आ गया. क्यों? क्योंकि हम कुछ भी निर्माण करेंगे, कुछ हम उत्पादित करेंगे, उसमें कला आएगी. कितनी ब्यूटीफुली आपने उसको निर्मित किया है. द प्रोडक्ट ऑफ क्रिएटिंग ह्यूमन एक्टिविटी यानी कि मनुष्य की एक्टिविटी के क्रिएशन का प्रोडक्शन. इन विच मटीरियल इज शेप्ड और सेलेक्टेड. इसमें हमने जो मटीरियल चुना है उसमें हमने क्यों चुना है उसको? कि हम किसी आइडिया या इमोशन को विजुअली इंटरेस्टिंग फॉर्म में प्रेजेंट कर सकें. यानी कोई भी इमोशन है, वात्सल्य भाव का इमोशन है, कितना ब्यूटीफुली आपने प्रेजेंट किया है, रिक्रिएट किया है, क्रिएट किया, यही आर्ट है. और टीचिंग में साइंस की अगर बात करें तो व्हाइल इन टीचिंग साइंस इज डिफाइंड एज अ स्टडी ऑफ एनीथिंग. कह रहे हैं कुछ भी अध्ययन कीजिए जिसको कि आप टेस्ट कर सकें, एग्जामिन कर सकें और वेरीफाई कर सकें, वो साइंस है. साइंस क्या कहता है? कि आप जनरलाइज कर सकें. साइंस क्या कहता है? कि आप चीज़ों को रिप्रोड्यूस कर सके. तो टेस्ट एग्जामिन्ड और वेरीफाइड, अगर टेस्टेड एग्जामिन्ड और वेरीफाइड है तो वो साइंस हो गया. सो द टीचर इज ऑलवेज स्टडिंग द सिचुएशन एंड एग्जामिनिंग व्हाट दे कैन डू. टीचर हमेशा ही सिचुएशन को पढ़ता है और सोचता है, एग्जामिन करता है, जांच करता है कि वो क्या बेहतर कर सकता है. तो इस तरह से टीचिंग आर्ट और साइंस दोनों है. ओके, अब बात करते हैं फंक्शन की. सिर्फ यही तीन हेडिंग लिखी है मैंने, इसका कोई एलिबरेशन नहीं किया. आकर्षण की टीचिंग प्रोसेस है थ्री मेन फंक्शन. डायग्नोस्टिक फंक्शन है, प्रिस्क्रिप्टिव फंक्शन है और इवेल्युएटिव फंक्शन है. डायग्नोज करना, हम लोगों ने बहुत बार पढ़ा है इसको. डायग्नोज दी यू कैन से शॉर्ट कमिंग्स इन द लर्नर. यानी कि विद्यार्थी को कहाँ दिक्कत आ रही है, कौन से ऐसे एरिया हैं जहाँ उसको दिक्कत है. उसको स्पेलिंग नहीं याद हो रही है, कि उसको फॉर्मूले नहीं याद हो रहे हैं, कि फॉर्मूले तो याद हो जा रहे हैं वो उसको हल नहीं कर पा रहा है, कि उसको मैथमेटिकल दिक्कत है, किस तरीके की दिक्कत है. ये डायग्नोज करना शिक्षण का कार्य है कि हम पता लगाएं. एग्जामिनेशन का भी तो एक फंक्शन डायग्नोस्टिक है. ये हम पता लगा लेते हैं कि अच्छा आप मैथ्स में कमजोर हैं या साइंस में अच्छे हैं या जो भी. तो डायग्नोज कर लिया हमने ना, कहाँ कमी है ये खींच लिया. फिर प्रिस्क्रिप्टिव फंक्शन भी टीचिंग का है कि हम आपको प्रिस्क्राइब कर सके कि आप ये करिए, है ना.
कि आपका ये एरिया मजबूत है तो आप इस एरिया में आगे चले जाइए, ये एरिया कम है तो इसमें आपको और ट्यूटोरियल की रेमेडियल की जरूरत है। और इवेल्युएटिव फंक्शन यानी कि वर्थ, हम लोग ने इवेल्युएशन को इतना पढ़ लिया है, इवेल्युएशन का मतलब हमने जो भी असेस किया उसको वैल्यू दे देना कि ये अच्छा है कि खराब है, आप लोगों से बेहतर कर रहे हैं अपने पीयर ग्रुप से कि पीयर ग्रुप से खराब कर रहे हैं, ये इवेल्युएटिव फंक्शन हो गया। तो ये टीचिंग के अगर फंक्शंस पूछे जाए तो आप डायग्नोस्टिक, प्रिस्क्रिप्टिव और इवेल्युएटिव फंक्शन बता दीजिए। अब वो जिसके लिए मैंने आपसे वीडियो आपके लिए बनाया है, फेजेस देखिए बहुत आसान है, किन किन चरणों से होकर शिक्षण गुजरता है, तो तीन चरण है, प्री एक्टिव फेज, इंटरएक्टिव फेज और पोस्ट एक्टिव फेज। एक्टिव मतलब जब हम एक्टिव स्टेज में हैं, इंटरएक्टिव यानी कि जब हम क्लास में हैं, क्लास में आपके संग डिस्कशन कर रहे हैं वो इंटरएक्टिव, तो पर क्लास में जाने से पहले भी तो टीचर तैयारी करता है आज क्या पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है, किसको पढ़ाना है, कितना पढ़ाना है, ये प्री एक्टिव। और पोस्ट एक्टिव जब हम इंटरेक्शन के बाद बाहर निकला है तो आज का पढ़ाया कैसा रहा, फीडबैक कैसा मिला, बच्चों को समझ में आया कि नहीं आया, उनको दिक्कत हुई कि नहीं हुई, ये पोस्ट एक्टिव। आसान तो ये, लेकिन आपको कुछ टर्म्स याद करने होते हैं, किसने दिया है ये याद करना होता है। तो फिलिप जैक्सन ने टीचिंग ऑपरेशन को तीन फेजेस में बांटा, प्री एक्टिव, इंटरएक्टिव और पोस्ट एक्टिव। और उन्होंने कहा कि प्री एक्टिव क्या है, वी कैन से दैट इट इज द प्रिपरेशन, है ना, बिफोर एक्चुअल टीचिंग बिगिंस। हमको कल पढ़ाना है तो हम आज प्री एक्टिव फेज में रहते हैं, हर टीचर रहता है, कोई ज्यादा तैयारी करता है, कोई कम करता है, कोई बिल्कुल नहीं करता है, कोई बहुत ज्यादा करता है, लेकिन करते सभी हैं कि कल हमको क्लास में क्या पढ़ाना है। बिफोर एंटरिंग द क्लासरूम टीचर मस्ट बी वेल प्रिपेयर्ड विद हर टूल्स और इक्विपमेंट। अगर हमको आपसे कोई लेक्चर शेयर करना है, हमको आपसे कोई वीडियो डिस्कस करना है, हमको आपसे कोई आर्टिकल बात करनी है, तो वो आर्टिकल लेके, वो सब लेके हम क्लास में एंटर करेंगे, या लिटरेचर पढ़ाना है तो बुक लेके कि हम आज इस पर बात करेंगे, ठीक है। दिस फेज इंक्लूड्स फुल प्रूफ प्रिपरेशन एंड शेड्यूलिंग बिफोर कमेंसिंग एनी एक्शन इन क्लास। तो इस फेज का मतलब है कि हमको पूरी तैयारी करके क्लास में जाना है। और प्री एक्टिव फेज इज द नेम इंप्लाइज इज कंसर्न विद द प्रिपरेशन ऑफ टीचिंग, है ना, यानी कि इसमें हम शिक्षण की तैयारी करते हैं, एक्चुअल टीचिंग से पहले टीचिंग की तैयारी ही प्री एक्टिव फेज है। और बिफोर एक्चुअल क्लासरूम टीचिंग और व्हाट जैक्सन कॉल्स इज काम पार्ट ऑफ टीचिंग, मतलब ये सबसे शांति से ये काम चल रहा है, हम अभी गए नहीं है क्लासरूम में, हम रिज्यूम कर रहे हैं कि ये हम ऐसे ऐसे पढ़ाएंगे, ये हमारे सप्लीमेंट की जरूरत पड़ेगी, और हम उस सारी तैयारी के साथ क्लासरूम में जाते हैं। तो इसमें हम कुछ चरण फॉलो करते हैं, जैसे सबसे पहले फॉर्मुलेटिंग और फिक्सिंग अप द गोल्स, है ना, कि हमको क्या पढ़ाना है, ये गोल तो डिसाइड होना चाहिए, इस टॉपिक के, इस यूनिट का ये टॉपिक पढ़ाना है, तो वो गोल हमने सेट कर लिया और उस गोल के हमने अपने ऑब्जेक्टिव्स बना लिए कि आज ये इतना डेफिनेशन बता देंगे, इसके क्लासिफिकेशन बता देंगे, इस पे न्यूमेरिकल करा देंगे, व्हाटसोएवर। तो फॉर्मुलेटिंग और फिक्सिंग ऑफ गोल्स, फिर डिसीजन मेकिंग अबाउट द कंटेंट और सीक्वेंशियल अरेंजमेंट ऑफ द कंटेंट, कि हम कितना कंटेंट कवर करेंगे, पहले क्या पढ़ाएंगे, फिर क्या पढ़ाएंगे, फिर क्या पढ़ाएंगे, इसका पूरा सीक्वेंस एक ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म में, ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में करके चलते हैं। और डिसीजन मेकिंग अबाउट द स्ट्रेटजीज फॉर टीचिंग, यानी कि हमने ये भी तय कर लिया कि क्या पढ़ाना है, गोल तय है हमारा, कंटेंट क्या पढ़ाना है, किस सीक्वेंस में पढ़ाना है, ये भी तय है, फिर ये तय करेंगे कि किस सीक्वेंस में हम कौन सी स्ट्रेटजी यूज करेंगे, पहले बच्चों से पूछेंगे या हम खुद बताएंगे, या हम ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन करेंगे, या हम ग्रुप डिस्कशन करेंगे, या हम डिबेट करेंगे, कौन सी स्ट्रेटजी लगेगी, वो हम यहाँ पर तय करेंगे पहले ही क्लास में जाने से। फिर आया आपका इंटरएक्टिव फेज, तो जैक्सन इतनी मतलब हमने तैयारी कर ली, हमें ये अपने गोल फिक्स कर लिए, हमने कंटेंट फिक्स कर लिया, कंटेंट का सीक्वेंस फिक्स कर लिया, और कंटेंट कैसे पढ़ाना है इसकी स्ट्रेटजी फिक्स कर दी। फिर इंटरएक्टिव स्टेज में क्या होगा, टीचर प्रोवाइड्स पीपल्स वर्बल स्टिमुलेशन ऑफ वेरियस काइंड्स, मेक्स एक्सप्लेनेशन, आस्क क्वेश्चन, लिसन्स टू लर्नर्स रिस्पॉन्स, प्रोवाइड्स गाइडेंस, यानी कि एक्चुअल क्लासरूम कंडीशन यहाँ हो रही है, हम तैयारी से आए और हम क्लास में चले गए, अब हमारा बच्चे के साथ, स्टूडेंट के साथ इंटरेक्शन चल रहा है कि हम उसको समझा रहे हैं, कभी क्वेश्चन पूछ रहे हैं, कभी उसको कुछ गाइड कर रहे हैं, सब कर रहे हैं। एट दिस स्टेज द टीचर इज नाउ इन द क्लासरूम विद प्रॉपर इक्विपमेंट, हम सारी इक्विपमेंट के साथ हैं, और ये वो एक्टिविटी है, ये वो लेवल है जहाँ पे हमने जो ऑब्जेक्टिव सेट किए थे और प्लानिंग की थी उसके हिसाब से हम कार्यकारिणी अपनी करते हैं। तो ये कुछ इसके चरण है जो आप करते हैं, आप क्लास को ऑब्जर्व करते हैं, आज क्लास का मूड कैसा है, स्ट्रेंथ कैसी है, बच्चे क्या पढ़ने के मूड में हैं, कितना पढ़ने के मूड में हैं, फिर हम डायग्नोसिस करते हैं लर्नर्स की, फिर हम एक्शन एंड रिएक्शन ऑफ अचीवमेंट करते हैं कि किस बच्चे ने कितना अच्छा अचीव किया है, तो उसमें हम क्या करेंगे, उसके भी कुछ सब पॉइंट हैं, सिलेक्शन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ स्टिमुलाई, हम उनको कुछ उनको कोई क्वेश्चन पूछेंगे, कुछ उनको स्टिमुलाई देंगे, फिर उस पर जो जैसा वो जवाब देंगे उस पर फीडबैक या रीइन्फोर्समेंट देंगे, वो दो तरीके का हो सकेगा, पॉजिटिव और नेगेटिव, और लास्ट में हम डिप्लॉयमेंट ऑफ स्ट्रेटजीज करेंगे, यानी कि हम तैयारी करके आए, लेकिन ये हो सकता है कि एक्चुअल जो हम तैयारी करके आए उससे क्लासरूम का एनवायरनमेंट उस दिन अलग हो, तो हमको इंटरएक्टिव फेज में उसको थोड़ा सा मोल्ड भी करना पड़ सकता है। और लास्ट में आपका टीचिंग का पोस्ट एक्टिव फेज,
मतलब आपने तैयारी भी कर ली, अब आपने पढ़ा भी लिया, अब आपको फॉलो अप करना है तरीके से कि हमको पुनः देखना है कि हमने कैसा पढ़ाया, वो कारगर रहा कि नहीं, हमने जो चेंज किया स्ट्रेटेजी में वो काम किया कि नहीं, हमने जो सेट किया था वो अच्छे से एग्जीक्यूट हो पाया कि नहीं। तो ये इस तरीके से है ना, तो आप इसीलिए इसको वर्ड बाई वर्ड नहीं पढ़ रही हूँ, ये आपके लिए मैटर है, आपको लॉन्ग आंसर शॉर्ट आंसर जैसा लिखना हो आप ये मैटर यूज कर सकते हैं। तो ये कह रहा है कि इसमें कुछ चार मतलब कुछ स्टेप्स हैं जो फॉलो करने होते हैं। असेसिंग दी सूटेबिलिटी ऑफ ऑब्जेक्टिव्स डिटरमाइन, यानी कि जो हमने उद्देश्य निर्धारित किए वो सूटेबल थे कि नहीं। डिसीजन रिगार्डिंग रीटीचिंग द कंटेंट और फर्दर टेकिंग अप द कंटेंट, ये तय करना कि हमने जो पढ़ाया वो फिर से पढ़ाना पड़ेगा या हम आगे बढ़ सकते हैं। असेसिंग दी सूटेबिलिटी ऑफ द इंस्ट्रक्शनल मटीरियल्स एंड एड्स, यानी कि जो हमने इंस्ट्रक्शनल मटीरियल एड यूज किया वो सूटेबल था कि नहीं। एंड असेसिंग दी इम्पैक्ट ऑफ द क्लासरूम एनवायरमेंट, यानी कि जो क्लासरूम का एनवायरमेंट था उसका इम्पैक्ट क्या था ये असेस करना। ठीक है, लास्ट में ये एक फ्लो चार्ट के रूप में कि ये टीचिंग है, ये फेजेस है, ये ऑपरेशन है, आप बस ये याद रखिए तब भी आपका काम चल जाएगा। शिक्षण के तीन चरण, प्री एक्टिव, इंटरएक्टिव, पोस्ट एक्टिव। प्री एक्टिव में हम क्या करेंगे, गोल और कंटेंट को फिक्स करेंगे और स्ट्रेटजीज के बारे में डिसीजन लेंगे। इंटरएक्टिव में क्या करेंगे, डायग्नोसिस ऑफ द लर्नर्स, लर्नर्स की पहचान करेंगे कौन सा स्लो लर्नर है, कौन एडवांस लर्नर है, ये सारा। फिर एक्शन और रिएक्शन अपनी देंगे। और पोस्ट एक्टिव में हम एप्रोप्रिएट टेस्टिंग डिवाइस को चेक करेंगे सूटेबिलिटी की, हाँ ये एग्जैक्टली काम किया कि नहीं, और फीडबैक उनसे मिलेगा या हम उनको फीडबैक देंगे और उनका टेस्ट लेंगे, परीक्षण करके बताएंगे कि हाँ आप क्लास पास करके आगे जाने के योग्य हैं कि नहीं, है ना। एक मिनट, ओके, तो इन दिस वे आई हैव कंप्लीटेड दिस वेरी टॉपिक। सो आई हैव कवर्ड, एक्चुअली आई वॉन्ट टू कवर ओनली फेजेस ऑफ टीचिंग, बट आई हैव एड ऑन इन दिस स्लाइड फंक्शंस ऑफ टीचिंग एंड डेफिनेशंस ऑफ टीचिंग। ओके, सो आई एम वाइंडिंग राइट अप नाउ, वाइंडिंग अप इट राइट नाउ बिकॉज लाइट हैज गॉन, लाइट हैज कम। ओके, सो शिक्षण क्या है, शिक्षण की परिभाषा क्या है, शिक्षण के कार्य क्या है और शिक्षण के चरण क्या है। तो फेजेस ऑफ टीचिंग पे शॉर्ट शॉर्ट नोट्स आपसे आ सकते हैं, आसान है, बिल्कुल आसान, थोड़ा सा भी लॉजिकल चलेंगे आप तो चल पाएंगे, कर पाएंगे। ठीक, सो थैंक यू एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल एक्सप्लोर एजुकेशन।